जी बॉडी मूव इन वन एक्सिस जो लीनियर मोशन जो सिंगल पाथ यानी कि इपरे डायरेक्शन में अगर मूव करे तो ना कहना वन डायमेंशन चाहिए सकूं था मां स्टार्टिंग वाले डेज के अंदर भी ताके जो हो तो डायमेंशंस के काइंडली डायरेक्शंस आप कंपेयर ना करो डिफरेंस आर डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस के अंदर सो याद रखी चल जो जे डायमेंशंस की बात करना इट मींस यू आर डीलिंग विद एक्सिस अजी के माता आगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया होया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तासा मन एक्सिस की बात करना सी उन्हें यही पान छा चाहता हूं मोशन इन वन डायमेंशंस अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एकड़ी कार जगह स्ट्रेट रोड में वने तो वो छा जो एग्जांपल आ मोशन इन वन डायमेंशन जो उन्हें का बाद में अगर को भी बॉल जेका वर्टिकल हाइट कवर करे हेठा का मथे वने या मथा का हेठ अचे यो छा जो मोशन आ मोशन इन वन डायमेंशंस तब तो मोशन इन वन डायमेंशन जो बेसिक आईडिया सा वटी हुआ मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जिको फर्स्ट टॉपिक हुंदा दैट इज नेम्ड एज द रेस्ट एंड मोशन रेस्ट एंड मोशन तमाम सिंपल कॉन्सेप्ट आ रेस्ट एंड मोशन में असाइन की डेफिनेशन ते इदा से असाइन जो एकरो सिंपल एमसीक्यू डिस्कस के हुंदा रेस्ट एंड मोशन में असाइन चयो होयो व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन जदे ऑब्जेक्ट पाजी पोजीशन चेंज ना है कदो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स त उने स्टेट के पाण छा चवंदा आयो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर पंजे माहौल के मुताबिक पंजी पोजीशन चेंज करे वियो त उने स्टेट के ना छा चवंदा आयो स्टेट ऑफ मोशन चवंदा आयो हाणे इन जे मुतलिक एकड़ो एमसीक्यू दीदो आ त रेस्ट एंड मोशन बई केड़ा कांसेप्ट्स आइन याद रखी छन जो रेस्ट एंड मोशन जेके रेस्ट एंड मोशन आइन ये बई केड़ा कांसेप्ट्स आइन रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव कांसेप्ट्स याद रखी छन जो ये बई कांसेप्ट केड़ा आइन रिलेटिव कांसेप्ट्स आइन रिलेटिव जो मतलब छाए रिलेटिव जो मतलब ही हुआ दैट नन कैन बी डिफाइन इंडिपेंडेंटली तवा स्टेट ऑफ रेस्ट के अलग बयान नथा करे सको ता स्टेट ऑफ मोशन के अलग बयान नथा प्या करे सको एकरो सिंपली थॉट एक्सपेरिमेंट सोचौं ता प्या भाई रात जो छाए रात जो एकरो बंदवा जेको जमीन ते बैठो आ आई वो चंद्र के दिसे तो पियो त उने के चंद्र रेस्ट में लगंदो या मोशन में रेस्ट में लगंदो मोशन में न लगंदो रेस्ट में लगंदो छाजे करे छो तो हो पाण बिचवा तो उनके सराउंडिंग जो शयों की में लगंदियो रेस्ट में लगंदियो एड़े तरीके सा एकरो एड़ो बंदवा जो को साइकिल ते या मोटर बाइक ते वजे तो पियो आई वो चंद्र के दिसे जने वो चंद्र के दिसे तो उनके छा लगंदो चंद्र रेस्ट में या मोशन में उने के चंद्र मोशन में लगंदो हाने तमाम सोलो सवाल आ सरा सागे के ते यकीन करण गुरजे उन बंदे ते यकीन करण गुरजे जो को हेठ बैठवा या उन बंदे ते यकीन करण गुरजे जो को मोटर बाइक ते वजे तो पियो भाई सही आ भाई सही है चाजे करे छो तो वो पांजे हिसाब से तो छे वो पांजे हिसाब से जे तो पियो तरह सा जे केड़ो वर्ड इस्तेमाल करदा हूं रिलेटिव वर्ड इस्तेमाल करदा हूं याद रखी छ जो रेस्ट एंड मोशन भाई केड़ा कांसेप्ट्स आइन रिलेटिव कांसेप्ट्स आई रिलेटिव कांसेप्ट जो मतलब छाए रिलेटिव जो मतलब ही छव दैट नन कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली तमा के बेकड़े के नन कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली ताके बेकड़ी एकड़ी स्टेट के ताके बेकड़ी स्टेट के अलग तरीके सा बयान नथा करे सको अलग तरीके सा बयान नथा करे सको ता ई नथा जी सको ते ही शे रेस्ट में आ ता नथा जी सको ते ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ न ओ उन जे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जी बुनियाद ते हुंदा मिसाल तौर मां ता जे सामू वॉक कया मां ताजे सामू वॉक कया त ताजे हिसाब सा मां रेस्ट में आ मोशन में छोटा ऑब्जेक्ट पाजी पोजीशन चेंज करे तो पियो वरी मुखा सवाल पूछो होयो त ता भला इन जी हालत बुदायो त मां जेड़ी मां अगते मूव कंदो मुखे लगंदो ता करे जा वणो त मुजे हिसाब सा ता भी मोशन में आयो सिंपल आयो त ता रेस्ट में बैठा पर मुजे हिसाब सा मोशन में थी जो तो याद रखी छजो रेस्ट एंड मोशन भई रिलेटिव कांसेप्ट्स आ बिनी के सा इंडिपेंडेंट बयान नथा करे सको इंडिपेंडेंट जो मतलब छाए अकेले बयान नथा करे सको हाने ताने के ईम चई सको था जेकर ता के रेस्ट बयान करनो आ त के न के फ्रेम जे हिसाब सा के न के रेफरेंस जे हिसाब सा अगर मोशन बयान करनो आ तो वो भी के न के रेफरेंस जे हिसाब सा एकड़ी कार जे अंदर ब दोस्त बैठा है भई एक बे सा कचहरी कंदा वजन था पया कार हले थी भई एकड़े दोस्त का बे दोस्त जी स्टेट पूछो रेस्ट में या मोशन में रेस्ट में छा जे करे सोलो जवाब आ सर पोजीशन चेंज नथी पई थे भाई दोस्त गड़ी ते बिठा है गड़ी ते बैठा है ना ये थोड़ी आते एकड़ो दोस्त जो वो कार के अंदर एकड़ी साइड का निकली करे के बे साइड चले हो ना इवन के कार मोशन में आ पर यो ही सवाल ता उन बंदे का पूछो जो बाहर रोड ते बैठो
उन्हें ख्याल रखना था जिगर अहंकार मोशन में आ अंदर बैठल बंदा भी मोशन में आ तो याद रखी जब जो रेफरेंस फ्रेम चेंज करण सा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज थी पमदिया ये अब के लिखी थे क्लास के अंदर पढ़ना सी बट ध्यान में रखी जो रेज एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव कांसेप्ट्स भाई रिलेटिव कांसेप्ट्स यानी कि भाई इंडिपेंडेंटली बयान न था थी सकत बोथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन इंडिपेंडेंटली। अच्छा होने का बाद में हाने मोशन इन वन डायमेंशन जो फर्स्ट टॉपिक देदा से एंड फर्स्ट जो टॉपिक होंदो वो असन वट केड़वा फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जिको पहले पहले टॉपिक आ वो पान डिस्कस करना सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मां सिंपली उनन के दरमियान में डिफरेंस या लॉजिक्स सब कंडीशंस इते ही डिफाइन करे तो वणा तो ता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के किए बयान कर दो या डिस्प्लेसमेंट के ता किए बयान करे सको था वो असा इन द लास्ट इन जे एमसीक्यूज ते डिस्कस करना सी तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मां एमसीक्यूज केड़ी फॉर्म में अची सकन था जी लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन फर्स्टली ऑन डिस्टेंस सबनी का पहला सा डिस्टेंस ते स्टार्ट के होता डिस्कशन द डिस्टेंस चाहे जी एनिमल डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है सर पाथ और बाय पाथ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट सही है या ऐसा नहीं सर होता टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पाथ भी कवर कर सकता है बेटर टू से टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस की डेफिनेशन चाहे डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट जेका टोटल लेंथ कवर कंदो आ ने टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट जेका टोटल लेंथ कवर कंदो आ उने टोटल लेंथ के असा छा चवंदायो डिस्टेंस चवंदायो छा चवंदाओ ने केसा डिस्टेंस चवंदाओ सिंपली या त ता डिस्टेंस जी ही डेफिनेशन भी बयान करे सको था दैट एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट जेको ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ कवर कंदो ने जेको ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ कवर कंदो उन एक्चुअल पाथ के असा दरगी का छा चवंदायो डिस्टेंस चवंदायो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी या के वेक्टर क्वांटिटी याद रखी छा जो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस केडी क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी या व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर यानी के इन जो जेको एसआई यूनिट आ वो सेम आ एज दैट ऑफ लेंथ यानी के ताने के लेंथ ने यूनिट्स में मालूम करे सको था सीजीएस में डिस्टेंस छा यूनिट होतो आईएमपीएस में सिंपल था देखिए लेंथ या यूनिट्स है ना वो सब डिस्टेंस या यूनिट था याद रखी चल जो सो ऐसा यूनिट डिस्टेंस जो मीटर है होने का बाद में द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस असा डिस्टेंस जो डायमेंशन की है लिखी सकूं था चाइना में एम आए चाइना में टी आए वगैरह के जाहिर करना चाहे होते एम पावर 0 एल पावर टी पावर 0 तो ये डायमेंशन से नहीं इंक्लूड आए नहीं ना ये पावर से नहीं इंक्लूड आए नहीं ना तो ये कंडीशन याद रखी थी जो रिगार्डिंग द डिस्टेंस डिस्टेंस या राइट तरीके से चाह कर सकूं था रिलेट कर सकूं था जी इफ ऑब्जेक्ट इज ए ट्रेस जेने को भी ऑब्जेक्ट ट्रेस में हो जे डिस्टेंस छा थी ने जो 0 तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही ना आए गई तो जेने पोजीशन चेंज थी दी यानी कि डिस्टेंस प्लेस थी सके तो याद रखी छजो तो इते भाई पॉइंट लिखी छन्या दैट इन मोशन याद रखी छजो मोशन के अंदर छा थी दुआ इन मोशन मोशन के अंदर छा थी पवदुआ डिस्टेंस जेको डिस्टेंस आ वो हमेशा छा थी दुआ डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस जेकर ता मोशन की गाल कयो तो मोशन में जेको डिस्टेंस आ वो हमेशा छा थी दुआ बदल दुआ ऑलवेज इंक्रीजेस करें डिस्टेंस डिक्रीज न तो थी सके या गाल ध्यान में रखी छजो डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव जेको डिस्टेंस आवा छा थी सके थी पॉजिटिव थी सके थी द डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव आर जीरो डिस्टेंस पॉजिटिव भी आए डिस्टेंस जीरो भी आए सवाल यो असर डिस्टेंस जीरो कने थी दो रेस्ट में होंगे टेक्निकल जरे रेस्ट में होंगे डिस्टेंस जीरो आ पर मूव कंदो तो डिस्टेंस बदन दो आई बदन वाली क्वांटिटी के पॉजिटिव चमता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव देयर सो याद रखी चल जो या तो डिस्टेंस जीरो होंदो या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होंदो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव डिस्टेंस कने में नेगेटिव नथो थी सके इन गाल के ध्यान में रखी चल जो हेरो सिंपल असा न्यूमेरिकल के होता डिस्टेंस जी बुनियाद ते अब भाई असा ही न्यूमेरिकल आ न्यूमेरिकल ही आ ता असा छा कयो आ एको बॉल आ उन बॉल के असा सर्टेन हाइट ते मोकलियो आ जेको बॉल मथे हाइट कवर करे वयो वो 5 मीटर आ केडी पॉइंट का केडी पॉइंट तई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जेको बॉल आ वो पॉइंट बी दे बीचो ना आए उन पॉइंट बी का वरी काले मोटियो आ वापस हेट मोटियो आ पॉइंट बी का पॉइंट ए तई वरी वापस मोटियो तो टेक्निकली वरी केतरो डिस्टेंस कवर कंदो 5 मीटर जो
बजन में भी 5 मीटर अचड़ में भी 5 मीटर तमाम 16 सवाल असाडा जो वेड़े जो डिस्टेंस शादी पोंदो तो बजन में 5 मीटर अचड़ में 5 मीटर दिली के पान में ऐड कदासी 5 प्लस 5 घणो दिदो 10 मीटर यानी के डिस्टेंस हमेशा छाती दुआ बदलदो मतदाता समझो तो वापस जे तो माइनस कयोस ना डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी या ऑलवेज एडेड एंड ऑलवेज इंक्रीजेस या तो तमाम सिंपल पॉइंट है डिस्टेंस हमेशा बदलदो भले का पॉजिटिव जीरो ते ना बवन जेको डिस्टेंस आ वो हमेशा बदलदो चाहे ऑब्जेक्ट सागी पाथ लेन ते वापस ही छो ना मोटी अचे चलो उने का बाद में असा इकडो न्यूमेरिकल ही कयो सी सेकंड न्यूमेरिकल दे जो सेकंड न्यूमेरिकल दिया तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए का निकतो पॉइंट बी ते वयो जेको जेको जका पाथ लेन ते कवर की हुआ ए कवर के वरी बी का काले आयो हुआ सी वाली पॉइंट ते जका पाथ लेन ते कवर के हुआ ए जे बराबर आ वरी सी वाली पॉइंट का आयो हुआ डी वाली पॉइंट ते वरी केतरी पाथ लेन ते कवर नहीं ए जे बराबर अगेन फ्रॉम डी टू ए डी का ए सागी जगह ते वापस मोटी आयो वरी तू केतरी पाथ लेन ते कवर कई ए कवर के ता मुझे यो बुदायो त इन ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस केत्रो कवर कयो ए का ए अचण में घणा ए So the answer is 4A there. इन्हें जो जवाब 4A या 4A किए था कहो, मना total समाप्त था कहो ना, बताएं ना कि इन्हें तरीके से सॉल्व करो। तो ये बेसिक कंडीशन याद रखी चल जो। अच्छा हमने कहा बाद में इन्हें जो थर्ड न्यूमेरिकल दिया जो, थर्ड न्यूमेरिकल ये बात इग्नोर को बंद हुआ, जिसको अच्छा डायरेक्शन ध्यान में रखी चल जो तो डायरेक्शन यूज नहीं था वो डायरेक्शन आसानियां जाहिर करना है ही साइड के लिए दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये हमेशा डायरेक्शन था कि ड्रॉ करना पड़ता हिंड साइड हमेशा ईस्ट हूं दिया हिंड साइड वेस्ट मते नॉर्थ एंड एट साउथ दी पौंदी भाई एकड़ो पर्सन ना जेको 3 किलोमीटर मूव करे तो पियो आई 3 किलोमीटर करे तो पियो मूव करे टुवर्ड्स ईस्ट उने का बाद में पियो अच्छा साबो ही बंदो टुवर्ड्स नॉर्थ वने तो पियो नॉर्थ केत्रो कवर गई 5 किलोमीटर समझदा वन जो आए 3 किलोमीटर कारे जो टुवर्ड्स ईस्ट मालिकों दो बजाए थे टुवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर कारे जो टुवर्ड्स नॉर्थ उन्हें का बाद में वरी 8 किलोमीटर भी हुआ 8 किलोमीटर फ्रॉम डेट पॉइंट इन पॉइंट का वरी 8 किलोमीटर हेट आयो हुआ आई 8 के डायरेक्शन हुयो साउथ मना साउथ भी हुआ 8 किलोमीटर आई इन पॉइंट का वरी अगेन ईस्ट की तरफ आयो हुआ केत्रो भयो हुआ अगेन ईस्ट की तरफ भयो हुआ 2 किलोमीटर towards east sawa iyo what is the total distance covered karna samathi paundo te jekra ta total distance covered kayo ta distance ta hamesha badalo ane east ki taraf ketro cover kare vayo 3 kilometer mate ketro vayo 5 kilometer het ketro vayo atta inside ketro vayo sabai paan me add kyo ketro jawab indo 18 kilometer distance aayi hi solve kare aayi baat samajh me ek clear is it clear yes sir सो जेको टोटल डिस्टेंस आ वो ता की मालूम करे सको ता इन तरीके से मालूम कर सको ता जेका टोटल लेंथ गिवन हो जाए ना उने के समअप करना सी बस हां जीरो करे थी सके तो टेक्निकल सवाल आ जीरो तने थी तो जे ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे हां रेस्ट ने मुझे बहुत डिस्टेंस जीरो आ पर जे मूव कदो डिस्टेंस हमेशा छाती दो आ बदल दो आ नेवर डिक्रीजेस डिस्टेंस करे डिक्रीज ना तो पियो थे मतदाता डायरेक्शन के ऋषि करे कंफ्यूज थियो ना डिस्टेंस स्केलर पॉइंट दिया इन के डायरेक्शन कोई सा कोई कम कोने अच्छा बुद्ध जो आने पूरा सीरीज बैठो सी इन न्यूमेरिकल के अंदर हां तमाम 16 सवाल आ ता के बुलेट ले आए जो भयो त डायरेक्शन बुदायो ऑब्जेक्ट जो सॉरी डायरेक्शन बुदायो डिस्टेंस जो दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस स्केलर पॉइंट दिया इन डायरेक्शन का कोई कम ही कोने सो ये टेक्निकली कुछ समझ जो स्केलर पॉइंट दिया डायरेक्शन का कोई कम कोने सिर्फ मैग्नीट्यूड पाण में सबब थींदो विदो असान के ऐड कदा विदासी ई आ रिलेटेड जो डिस्टेंस के अंदर रिलेट कदासी बिया न्यूमेरिकल्स कदासी असान के फॉर्मेशन एनर्जी मिली पवंदी बट एतरो देन में रही छड़ जो जका टोटल पाथ लेंथ हुंदिया ना उन टोटल पाथ लेंथ के ही पाण छा चवंदायो डिस्टेंस चवंदायो हाँ ये जो पहले डिस्कशन के बारे में या डिस्प्लेसमेंट के बारे में जी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट दिया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ सिंपली असान के शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी चवना है या मैंने जी भी डेफिनेशन लिखा डेफिनेशन में जी ये भी थी सके थी दैट डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन जेको डिस्प्लेसमेंट आ वो चाहे सावटे चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन के मखसूस डायरेक्शन के अंदर के मखसूस डायरेक्शन के अंदर जेका पोजीशन चेंज थीनिया ना उन पोजीशन के इनके पार छा चमदायो इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट
उन के पान छा चवंदायो डिस्प्लेसमेंट चवंदायो चेंज इन पोजीशन याद रखी छजो चेंज इन पोजीशन अक्सर कर एमसीक्यू दीदवा बुद्ध जवाने मा ते लिखन तो वर्बली बुदाया तो पियो तो आखिर में उन एमसीक्यूज के लिखंदा सिन सही एमसीक्यू जी योर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंजेस इन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन में केडी क्वांटिटी चेंज थी पवंदी आ ऑप्शंस बुद्ध जो ऑप्शंस यूनिफॉर्म मोशन जी गाल कई आ यूनिफॉर्म मोशन समझो ता माना वेलोसिटी कांस्टेंट आ वेलोसिटी चाहे कांस्टेंट आ सवाल ये हुआ व्हिच क्वांटिटी चेंजेस केडी क्वांटिटी चेंज थी या यूनिफॉर्म मोशन में तो ऑप्शन बुद्ध जो मुजा पहले ऑप्शन आ पोजीशन बी ऑप्शन आ वेलोसिटी ट्रेन ऑप्शन ना एक्सेलरेशन चौथा ऑप्शन ना नन ऑफ दीज सो द आंसर इज चेंज इन पोजीशन मत लिखो बे दो चेंज इन पोजीशन आ ना मतलब पोजीशन चेंज देंगी बुदो यूनिफॉर्म मोशन जो मतलब चाहे वेलोसिटी चाह रहे कांस्टेंट मतलब चेंज ना थे तो वेलोसिटी चेंज ना थी अगर वेलोसिटी चेंज ना थी तो एक्सेलरेशन चाह थी दी सिंपल ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस थी दी ना वेलोसिटी चेंज थी बंदी तो चेंज थानी चाहे पोजीशन चेंज थानी ये अक्सर कर एमसीक्यू दी दो तो ये थोड़ा लुक आफ्टर करे जो ना दे Change in position in particular direction is called displacement. उन्हें के पान छा चवंदायो displacement चवंदा अच्छा माने के particular direction की गाल चई चलिया या चलो ता जी का बी डेफिनेशन बुदाई है केडी shortest path length भी चई सका दो माने के it is the shortest path length जेका shortest path length हुंदिया ना उन्हें के पान छा चवंदायो displacement चवंदा अच्छा displacement scalar quantity vector quantity it is a vector quantity सही है भाई ये सब वेक्टर क्वांटिटी आ आयने का बाद में अगर ये वेक्टर क्वांटिटी आ तेने जो यूनिट पाने के शामिल हो दोआ मीटर सो इट इज अ वेक्टर पॉइंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एना जो एसआई यूनिट मीटर आ अच्छा बुद्ध जो माने जो माने जो एसआई यूनिट मीटर आ ना वो सेम यूनिट आ जो लेंथ वाला यूनिट आ एना जो सीजीएस में केडो यूनिट हुंदो आईएमपीएस में केडो बट इन सेम तरीके से रिलेट करदा सी महाराज के लेंथ जा यूनिट सोया ना डिस्प्लेसमेंट जा हुई आ अच्छा हमने का बाद में इट्स डायमेंशन डायमेंशन ने जो चाहती दो सेम जो डिस्टेंस वाला आई डायमेंशन चाहती मेरे जो m पावर n पावर n t पावर दैट इज अ डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट जो डायमेंशन आई का समझ में ये बेसिक आईडिया याद रखी जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर अच्छा आन बुद्ध जो डिस्प्लेसमेंट जो आ डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट आ वो छा थी सके तो डिस्प्लेसमेंट मे इंक्रीजेस जो डिस्प्लेसमेंट आ वो छा थी सके तो इंक्रीज थी सके तो मे डिक्रीजेस जो डिस्प्लेसमेंट आ वो छा थी सके तो डिक्रीज भी थी सके तो आई किया डिक्रीज थी तो पान दे प्रैक्टिस क्यों था पिया डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी थी सके तो डिक्रीज भी थी सके तो पर डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस होने का बाद में डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट आ वो छा थी सके तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव जो डिस्प्लेसमेंट आ पॉजिटिव भी थी सके तो डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी थी सके तो या डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी थी सके तो डिस्टेंस जीरो भी थी सके तो पॉजिटिव थी सके तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी थी सके तो नेगेटिव भी थी सके तो आई जीरो भी थी सके तो या वाइड पॉइंट या जो मोशन में जीरो थी दिया एज कंपेयर टू डिस्टेंस सो आने किए या मोशन में जीरो थी पवंदी अजो देन गाल लिखा शायद करू प्रैक्टिस रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट केड़े तरीके सा क्वांटिटी से रिलेट करे सकूं था इन जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन दिया चम था क्या भाई सवाल ही हुआ कही है सावट बॉल आ इन बॉल के पान काले मोकलियो सर्टेन हाइट ते जने बॉल के सर्टेन हाइट ते मोकलियो सी तो बॉल कवर करे जो डिस्प्लेसमेंट केतरो डिस्प्लेसमेंट कवर के 5 मीटर जो हाने मथे वजन के मा पॉजिटिव तो कंसीडर कया it is considered as a positive bhale ta negative kayo koi issue na but reference jo mathyo axis hundo wo positive y axis hundo haan ball ni jagah te ditho na sab ball wali kare motiva wapas motiva ai ball kathe wapas moti ayo at the same location at the same position mate vayo ta plus 5 meter displacement he thayo ta plus 5 ya minus 5 because displacement is a vector quantity he cover kando minus 5 meter haan mata ka puchan mera jo displacement cha thi zero चाहते हो ना जो जीरो याद रखी चल जो एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो 5 माइनस 5 का नासी तो जीरो मीटर असा ने जो शामिल हो डिस्प्लेसमेंट में लदो हां या पॉइंट याद रखी चल जो दैट इन अ क्लोज्ड पाथ जे अंदर जेको डिस्प्लेसमेंट आ वो छा मिलंदो आ जीरो मिलंदो याद रखी चल जो या नोट पॉइंट ध्यान में रखी चल जो इन अ क्लोज्ड पाथ
क्लोज्ड पाथ जो मतलब कदे सर्कुलर मोशन न समझ जो कुछ भी थी सके तो एंड अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो जेको डिस्प्लेसमेंट आ वो हमेशा छाने बराबर थिंदो जीरो जे बराबर थिंदो याद रखी चलो वो क्लोज्ड पाथ चाहे सर्कुलर मोशन हो जे चाहे रेक्टेंगल कयो चाहे ने देखो सर्कुलर मोशन आ जा पर ये क्लोज्ड पाथ थियो जो क्लोज्ड पाथ थियो जो तो जिथा ऑब्जेक्ट के थ्रू कयो सी ऑब्जेक्ट सागी जगह ते वापस मोटी आए सो ऑब्जेक्ट जने सागी पोजीशन ते वापस मोटी है चाहे ना तो ने जो डिस्प्लेसमेंट आने बराबर थी दो जीरो जे बराबर थी पोंदो मां नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा जवाब ता आई दी तो जारी गाला हाने चाहतो एकड़ो ऑब्जेक्ट आ जेको पॉइंट ए का पॉइंट बी ते विंदो जेको डिस्प्लेसमेंट कवर के ओ ए जे बराबर आ वरी इने के मां पॉइंट ए का खणी यो आया काते पॉइंट सी ते डिस्प्लेसमेंट कवर के ए जे बराबर वरी सी का काते कवर खणी आया से डी वाली पॉइंट ते डिस्प्लेसमेंट कवर कई ए वरी बी का काने मोटी आयो ए वाली पॉइंट ते मोटी आयो तने केत्रो डिस्प्लेसमेंट कवर कई ए कवर कई तमाम सिंपल क्वेश्चन आ जने असा पोया डिस्टेंस सॉल्व कयो सी त डिस्टेंस जो घणो जवाब बतायो ता मने और ए केते डिस्प्लेसमेंट चा दी तो आगे करे जीरो थी तो क्लोज पाथ लाजमी ना है त सर्कुलर हो जी केड़ी भी शेप जो थी सके तो बट इतरो याद रखी सर जो जेका भी शेप ता कंटेंट कयो उन शेप के अंदर जेको ता के डिस्प्लेसमेंट आ वो इनफॉरमेशन के अंदर मिली सके तो यू आई बेसिक आईडिया रिगार्डिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन के नोट डाउन कयो फर्दर असाइन जे एमसीक्यूज दे छम अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं पूछी सको था अच्छा चलो भाई पान मूव ऑन क्यों था प्या चाहते इन जे गन केसेस के अंदर एंड या केसेस पान किए मूव ऑन करना सी खुद जो आए तमाम सिंपल आइडियाज इन तमाम सिंपल कॉन्सेप्ट्स इन असा के चयो भयो ता बिनी के मैग्नीट्यूड के पान में कंपेयर कयो चामे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हाने डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर पॉइंट डी आ हाने ही अक्सर कर एमसीक्यू डिस्कस करना आयो सा इन वेक्टर फॉर्म्स असा डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म्स में या वेक्टोरियल फॉर्म में जाहिर कर सकूं था एंड डिस्प्लेसमेंट के ता वेक्टर की शक्ल में की लिखंदो वेरी दिसो डिस्प्लेसमेंट के सा लिखंदा आयूं डेल्टा आर जे बता दिना से एरो डेल्टा माना चेंज आर माना पोजीशन वेक्टर माना चेंज इन पोजीशन वेक्टर यो छाजे बराबर थी दो यो बराबर थी पोंदो आ आर2 माइनस आर1 के बराबर हे वेक्टर नोटेशन था डिस्प्लेसमेंट की हाने वेक्टर नोटेशन में की थी दिया माने के थोड़ो बेस क्या या ता इक्वेशन की चल दिया है रेसो असा वेक्टर नोटेशन में ठायो सिंगलो सिस्टम केड़े कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो ब्रो सा सिस्टम ठायो थी ते ही असा वटाए एक्स एक्सिस ही असा वटाए वाई एक्सिस भाई देखो ऑब्जेक्ट आ वो असा वटाए एट सर्टेन लोकेशन केड़ी पॉइंट दिया पॉइंट ए ते एंड यो देखो ऑब्जेक्ट आ यो पॉइंट ए का केड़ी पोजीशन ते आयो आ पॉइंट बी ते आयो आ पर केड़े पाथ में आयो आ ता इने के दिसो स्ट्रेट पाथ ना है माना थोड़ो किए पाथ आ कर्व पाथ असा वटाए हाने सबनी का पहला माने जो ठाइनो पोजीशंस इन जो पोजीशंस किथा खणबी ने हमेशा ओरिजिन का ता पॉइंट ए खणो आई पॉइंट ए जी ओरिजिन का एकड़ी पोजीशन लोकेट करायो इन जी पोजीशन के पान छा चवंदासी आर पर एरोस के दिस जो काइंडली एरोस के तरीके सा रिलेट करना ओरिजिन का पॉइंट बी जी पोजीशन भी ठांदी ओरिजिन का जगह पॉइंट बी जी पोजीशन आ उने के पान छाता जाऊ उने के पान चवंदा पिया आर2 हाने सवाल यो त डेल्टा आर किने मिलदो डेल्टा आर हुआ जिको फ्रॉम ए टू बी जितो आई वो ए टू बी डेल्टा आर छा हुंदो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के ता शॉर्टेस्ट पाथ चयो होयो आई ने जो शॉर्टेस्ट पाथ किए छांदो स्ट्रेट ठांदो इन दिस डायरेक्शन तने के मा छा सा जाहिर कयो आ इने के मा जाहिर कयो आ डेल्टा आर सा तो ता जे सामू ट्रे वेक्टर्स छा पे आए हाने ता इन ट्रे वेक्टर्स के रिलेट कयो ये ट्रे वेक्टर्स मा सेपरेट ठाया तो पे थे केड़ा ट्रे वेक्टर सेपरेट ड्रॉ करना से सा सबनी का पहला r1 वेक्टर सा ड्रॉ कयो आ r1 सो r1 जो डायरेक्शन छाए दिसो r1 जो डायरेक्शन मथे होयो तैते मा r1 जो डायरेक्शन दे छिया दैट इज द फर्स्ट वेक्टर r1 उने का बाद में हिता ता केड़ो वेक्टर ड्रॉ कयो आ डेल्टा r आई उने जो एरो भी ता दिसी छियो दैट इज अ डेल्टा r हियर सम डेल्टा r वेक्टर आ एंड जो हिता खाटी हेडे वेक्टर ठयो होयो वो केड़ो होयो वो होयो r2 तहिन वेक्टर के माना लिदुम r2 जे बराबर इते पान छा कदासी इते पान कदासी हेड टू टेल रूल अप्लाई हेड टू टेल रूल छा चवंदो आ द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर हिते फर्स्ट वेक्टर केडो r1 r1 जी हेड
तो डेल्टा आर मिला तो 3 आए उन्हें का बात लिख रहे ट्रे मा 4 बजे अंदर माइनस 1 तो जो मिला तो माइनस जे दैट्स इट 3 आए माइनस जे 3 आए माइनस जे हाने जो मैग्नीट्यूड खपे ता के सेम हुआ टेक्निक का अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई वो भी क्षेत्र मिला तो ता के अंडर रूट इक्वल 10 यूनिट्स आई का समझ में ये अक्सर कर एमसीक्यूज वेक्टर नोटेशन में ही ना है हैं वेक्टर नोटेशन में किए सॉल्व करजे एक पहले मेथड ही हुआ याद वेक्टर स्टायो याद डायरेक्ट इस्तेमाल करे उसमें पता नहीं यू पॉइंट्स मिली पहुंच गए के में है ना में x स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तेने जो स्क्वायर करना सी नंबर इते माइनस बना माइनस और स्क्वायर प्लस 1 ए ए क्लियर आ यस सर इजीली देवी दोने ये बा वर्ष खूब तुम ने किताब जो पार्ट सॉल्व कर दो आई की केडो मैं मेथड 1 मा छा पे हुआ माइनस का टैन वेक्टर्स 5y पे ये जी वैल्यू माने x जिया तो x में केडो यूनिट वेक्टर हुंदवा आई जेको 4 आ वो आए y जी वैल्यू आई y में केडो यूनिट वेक्टर हुंदवा जे उने का बाद में b में भी ये ठाया सी a दिशा में ठायो i में आई 3 दिशा में ठायो j में डेल्टा आर छा हुंदो r2 माइनस r1 r2 जी वैल्यू पे प्लेस रखी सी हेरिसो y ने मा माइनस कयो सी r1 जी वैल्यू ए पूरी r1 जी वैल्यू माइनस थी भई 8 आए मा 5 आए मजा 3 आए आई 3 जे माइनस 4 जे तो माइनस जो जे हाने केडी पॉइंट्स थयो एकलो 3 थयो जो माइनस 1 थयो तो 3 का माइनस 1 हा डेल्टा आर जो मैग्नीट्यूड कबे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दी दोआ हन ट्रिम जो स्क्वायर करदा सी ते 9 आई माइनस 1 जो स्क्वायर जे होता प्लस 1 9 प्लस 1 बिकम्स अंडर रूट 10 यूनिट्स या तो डायरेक्ट करे छियो हेता है वैल्यू ता माइनस कंदो ने तो ता के गिवन जुपाओ वेक्टर या जो मैग्नीट्यूड ने तरीके से रिलेट करे सको ई आई बेसिक आईडिया जो सा डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स फॉर्म में क्लियर थियो जने मालूम करनो असा इन फार्मूले ते कदास डेल्टा आर इक्वल टू आर2 माइनस आर1 इन कंडीशन के जेन में रखी छ जो सावन अच्छा हमने का बाद में पान डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट के कुछ मैग्नीट्यूड से अचम ता क्या तो केते डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हुंदुआ केते होते असा ये चेंज थी सकन था हाने ये सब एमसीक्यूज हुंदा जेके साहित्य टर्म सा रिलेट करनासी बुद्ध जो आने एकड़ो ऑब्जेक्ट आ जिको जिको पॉइंट ए का बी टाइम पर जी पोजीशन चेंज पे तो करे एकड़े पाथ माने ट्रे डिफरेंट पाथ मा केड़ा ट्रे डिफरेंट पाथ आइन एकड़ो वो मने तो भी स्ट्रेट पाथ में दैट इज नेम्ड एज द एस1 जेके सा एस1 चौथा पिया जो केड़ो पाथ था फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ही पाथ था जेके मा छाप दो जमा एस2 एड़े तरीके सा ए टू बी मूव करण जे लाए ही एकड़ो ट्रियो पाथ था दैट इज नेम्ड एज द एस3 ताके बुधायनो आ ते एस1 छाए ताके बुधायनो आ एस2 छाए ताके बुधायनो आ एस3 छाए जी व्हाट इज द एस1 देयर फरहान लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फरहान व्हाट इज एस1 देयर एस1 छाए डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्टेंस कौन है नजर हटी हां शारी पकड़ ना वे 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 जी डिस्टेंस कौन है वकील डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट कौन है हां वाली मोहन डिस्प्लेसमेंट आदमी डिस्टेंस कौन है डिस्टेंस वो मत छुपाए ठीक है पांच ऑप्शंस याद करना मुझे वेंदा जी वेंदा जी वेंदा जवाब दे वेंदा जवाब सर वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कौन है डिस्टेंस चीज का हां ये सही थे ठीक है हेलो बहुत हार्ड भाई चीज का भाई ये डिस्प्लेसमेंट भाई भाई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कौन है हां अच्छा बुद्ध होने डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई टोटल टोटल लेंथ मां चाहा तो s1 के काउंट कयो ने s1 की टोटल लेंथ भी दिया ही आए यस सर सही दैट इज द डिस्टेंस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट यो डिस्टेंस b आए यो डिस्प्लेसमेंट b आए ये भाई तब याद रखी छन जो यो डिस्टेंस b आए एंड यो चाहे यो डिस्प्लेसमेंट b आए अच्छा जो पाथ 2 ए 3 जी पाथ 2 में डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट आ यो यो डिस्टेंस आ इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट अच्छा जो पाथ 3 आ वो भी डिस्टेंस आ वो बस आड़ चाहे डिस्टेंस आ अच्छा आड़ सोलो दवा ता का यो भाई ता ट्री पाथ के पाण में कंपेयर कयो ता जो टेक्निकल दिमाग छातो जे त वधिक तावट छा मौजूदा वधिक तावट डिस्टेंस मौजूदा या डिस्प्लेसमेंट मौजूदा वधिक वधिक छा मौजूदा डिस्टेंस याद रखी छ जो ने नाल के सो रिमेंबर दिस वन पहली पॉइंट छाए तो जिको डिस्टेंस हुंदो आ ने डिस्टेंस
वो डिस्टेंस से या तो अधिक हूं दो या तो अधिक हूं दो या तो बराबर हूं दो जेको डिस्टेंस आ या तो अधिक हूं दो या तो बराबर हूं दो चाहे बराबर हूं दो चाका अधिक हूं दो डिस्प्लेसमेंट सा ठीक है बट बेटर टू से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर जे बराबर न तो थी सके मैग्नीट्यूड जी गाल कयो द डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट जे मैग्नीट्यूड का अधिक थी दो या तो डिस्प्लेसमेंट जे मैग्नीट्यूड जे बराबर थी दो डिस्टेंस कदे भी डिस्प्लेसमेंट जे मैग्नीट्यूड का घट न तो थी सके याद रखी छ जो इन गाल के इन पॉइंट के ध्यान में रखी छ जो तो जेको डिस्टेंस आ वो कदे घट न थी दो छाका डिस्प्लेसमेंट जे मैग्नीट्यूड का याद रखी छ जो मैग्नीट्यूड का कदे भी घट न तो थी सके या तो ना वधी पोंदो या तो ने बराबर थी पोंदो सामन अच्छा हन सवाल सोलो आ सवाल असा वटी यो आ क्वेश्चन असा वटी यो एमसीक्यूज में दैट इन व्हिच मोशन असा केड़े मोशन की गाल करदा है इन व्हिच मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू जे का मा पूछा डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट केड़े मोशन जे अंदर डिस्टेंस आई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर थी ना जी एत्रो टाइम जी हम थोड़ी है लीनियर मोशन है ना लीनियर मोशन के रिटो सी एक लीनियर मोशन में इच्छा हो आई यू इच्छा हो मतलब सागी गाल आ ने यानी कि भाई केड़े मोशन में बराबर थींदा लीनियर मोशन के अंदर सो याद रखी छ जो इना जो आंसर छाए इना जो आंसर आ लीनियर मोशन सो लीनियर मोशन के अंदर छा थी दुआ लीनियर मोशन के अंदर डिस्टेंस बराबर थी दुआ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई गाल समझ में चलो असन जे रेशियोस के अचो माने इन जा रेशियोस किए थी सकन था जी फर्स्ट एमसीक्यू अच्छा ये सब एमसीक्यूज पॉइंट्स होन जेके बारे रेशियोस ता के बुदाई नो विंदो हियर भाई सबनी का पहला सा चों था पया जेकर डिस्टेंस के डिवाइड कयो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सा बुदो हाने भाई के ता के चे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ टेक्निकली ने सवाल जो जवाब ही कोने डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर के वेक्टर जे की ना बराबर कर सको हां बट बेटर टू से डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जी ही एमसीक्यू जाता आगे तो जे कदे डिस्टेंस वंडिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कयो त यो छा थिंदो पर सवाल यो आ असा केड़ो मोशन दा गाल कयो लीनियर मोशन में लीनियर मोशन में बिनी जो रेशियो छा थिंदो बिलावल 1 रेशियो इज इक्वल टू 1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जो वन के बराबर थिंदो जो तो जेत्रो डिस्टेंस आ ओत्रो डिस्प्लेसमेंट आ डिवाइड थी को ना डिवाइड आंसर चार निकल दो वन निकल दो तो पहले एमसीक्यू याद हो जाए अच्छा उन्हें का बाद में अगर भला बियो को मोशन हो जाए तो पूछा दी दो एनी अदर मोशन जेकर बियो के मोशन हो जाए डिस्टेंस बंडिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बंडिया डिस्प्लेसमेंट का जे मैग्नीट्यूड में एनी मोशन माना लीनियर भी कनेक्टेड है कुछ भी थी सके तो एनी मोशन असा के बे मोशन की गाल कयो माना अपने में लीनियर भी अची गयो सर्कुलर भी अची गयो वाइब्रेटरी अची गयो को बची गयो त इन जो जो रेशियो आ इन जो को रेशियो आ बराबर वन त छण हुआ जो त लीनियर मोशन अची गयो पर बियो छा निकरंदो ग्रेटर देन वन आर लेस देन वन ग्रेटर देन वन छो मिलंदो जो त डिस्टेंस मथा आया डिस्टेंस मथा माना न्यूमरेटर मथा है अगर न्यूमरेटर मथा है यानी के जो को वडो टर्म आ वो मथा है इन जवाब छा मिलंदो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 याद करियो डिस्टेंस वंडिया डिस्प्लेसमेंट जो मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एडे तरीके से एमसीक्यूज के चेंज गयो सी एमसीक्यूज के चेंज गयो सी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन जो छा जवाब मिलंदो इक्वल केड़े केस में लीनियर बाकी लेस देन केड़े केस में जेको भी था ये छोटो थे छोटे डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ डिनोमिनेटर जो नंबर जितरो वडो हुंदो आ जवाब उतरो नटो हुंदो आ इते डिस्टेंस किथे होयो न्यूमरेटर में जितरो नंबर वडो हुंदो आ जवाब उतरो वडो ठांदो आ इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इट इज लेस देन आर इक्वल टू 1 या बेसिक फॉर्मेशन याद रखी छजो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रेशियो के टर्म्स के अंदर तो जेको भी आईडिया रिलेट करे ना उन्हें के ताने तरीके से आइडेंटिफाई कर सको क्लियर थियो यो जेको डिस्टेंस आ वो या तो ग्रेटर देन थी तो या तो इक्वल थी दो डिस्प्लेसमेंट जो मैग्नीट्यूड सा कदे भी डिस्टेंस घट न तो थी सके के का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का केड़े मोशन के अंदर है भाई पाड़ में बराबर थी ना आईने लीनियर मोशन में भी जो रेशियो छाड़े बराबर आ बच्चे बियो को मोशन हो जे इन्हें बिनी जो रेशियो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इन्हें बिनी जो रेशियो लेस देन आर इक्वल टू
वन के बराबर थी दो तो ये सर्टेन एमसीक्यूज वाली पॉइंट्स ध्यान में रखी चलियो इनमें मां हे तो इंपॉर्टेंट आए नहीं आए पर काइंडली इनके लुक आफ्टर का जो वेक्टर फॉर्मेशन इनमें ता भूल जी पवंदा तो वेक्टर की डिनोट करजे हम वेक्टर में शायद डिनोट कबुआ पोजीशंस मिलर होती है पोजीशंस जा वेक्टर ठाइना है या तो टेक्निकली बुदाया मां फाइनल माइनस इनिशियल कंदा वयो ताके डिफरेंट वेक्टर नोटेशन मिलती है सा वाले ए क्लियर थियो यस सर हां इने के नोट जो तो को पॉइंट सर्कुलर मोशन दे जाओ जी ता जो देखो पाथ 3 का जो है सर डिस्टेंस आप सर उनका थिंकिंग याने सर डिस्प्लेसमेंट सिस्टम का डिस्टेंस जो का उनका में सर चौथा पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन है चाहे शॉर्टेस्ट पाथ है शॉर्टेस्ट सर वो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट हुई हो ना तनिया शायद आइडेंटिफाई कर अच्छा इन जे बेन एमसीक्यूज पे अचो चलो लेट्स स्टार्ट ओके लिसन नाउ यस सर एकड़ो पार्टी किला जिको पॉइंट ए का निकतो पॉइंट बी ते केत्रो डिस्टेंस कवर की ए ठीक है वही पॉइंट बी का काथे आयोवा पॉइंट सी ते एट दिस पॉइंट कवर केत्रो की डिस्टेंस असामट ए सवाल ई बात डिस्टेंस केत्रो आयना जो टू ए डिस्टेंस द डिस्कशन आए कोन हमेशा समा भी दीपो दो सवाल ये व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट दिया इन केस में डिस्प्लेसमेंट की मालूम कबा बुझ जो इन केस में डिस्प्लेसमेंट पे डिनोट कबो जो डिस्प्लेसमेंट आ वो शॉर्टेस्ट पाथ आ शॉर्टेस्ट माना स्ट्रेट लाइन माना इन में को इन तरीके सा मूवमेंट थी दी एंड स्ट्रेट पाथ की भी दो ए स्ट्रेट पाथ ए टू सी ये डायरेक्ट हले भी दो सिंपल असा ए टू सी ये डायरेक्ट पाथ ड्रा करना सी हां ईओ ने जो डिस्प्लेसमेंट आ आईओ ने डिस्प्लेसमेंट की मालूम थी दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम छा हो दो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है बेस है परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेन्यूस ही डिस्प्लेसमेंट है याद कर जो ने बात के हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू छा के बराबर हो दो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बाय ऐड दी ना दे 2a स्क्वायर स्क्वायर खत्म करना छाड़ी दा तब h बराबर दी को दो अंडर रूट 2 आई a बाय निकली पों दो तो जो हाइपोटेन्यूस है वो छाड़े बराबर है 2 अंडर रूट a नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ईओ इज द डिस्प्लेसमेंट आई गॉट समझ में इन तरीके से अगर ये इस्तेमाल कर दो ईओ डिस्प्लेसमेंट तो बाकी जो डिस्टेंस है वो 2a है ठीक है इतने मान लिखी छड़ा तो इन मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 अंडर सॉरी इट इज अंडर रूट 2a अंडर रूट 2a सो इट इज अंडर रूट 2a बाकी जो डिस्टेंस है ना डिस्टेंस वो डिस्टेंस पाने के शामिल है तो 2a के बराबर अच्छा यो पे एमसीक्यूज अच्छा और यही बड़ा नंबर अच्छी मजन यो a आई b वालों टर्म ना छे मिसाल तो रेड सो ए असाइनमेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो पांच शामिल इस्तेमाल करना हूं नंबर्स में रेड सो फ्रॉम a टू b जिको जिको पाथ कवर थियो वो केत्रो आ हुआ है 4 मीटर केत्रो कवर किया 4 मीटर उन्हें का बाद में फ्रॉम b टू c देन b टू c आया सी तब b टू c में जिको पाथ कवर थियो वो 3 मीटर कवर थियो बुझा के डिस्प्लेसमेंट केत्रो आ 3.5 सर 3.5 टेन चार्ज हो 5 किलो ना एरिसो ये डिस्प्लेसमेंट हो ना ये डिस्प्लेसमेंट ना यही निकाल गई ना ये डिस्प्लेसमेंट आए ना जो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए केड़ो थ्योरम इस्तेमाल करना है पाइथागोरस थ्योरम छा चवंदो आ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर माने 4 स्क्वायर गणो दी दो 16 परपेंडिकुलर ना 3 स्क्वायर गणो नंबर 16 ही नंबर गणा दिया 5 जोड़ो गणो दी दो सो द आंसर इज 5 मीटर इने के गोल्डन ट्रायंगल छे बो जे में याद रखी छे जो अगर एकडी साइड 4 आ बी 3 आ तो ऑटोमेटिकली ट्री साइड गणी मिलदी 5 रिमेंबर दिस वन ए डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट गणो मिलन देने जो 5 मीटर अच्छा इये ही नेक्स्ट एमसीक्यू से अचो बाय पॉइंट ए टू बी वयो केत्रो कवर करे आयो 6 मीटर बाय फ्रॉम पॉइंट बी टू सी आयो केत्रो कवर करे आयो 8 मीटर हे बुदायो तो डिस्प्लेसमेंट ने जो केत्रो आ
जी इट्स डिस्प्लेसमेंट 10 10 10 डिस्प्लेसमेंट इन योर 10 दिसो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चैट इसका गणना दी दोआ अटेंड इसका गणना दी दोआ छतरी ही जोड़ गणना दिया 100 जोड़ कर गणना दोआ सो द आंसर इज 10 मीटर दिया आणि या गाल याद रखी छर जो इनन के जेबो वेक्टर्स में गोल्डन ट्रायंगल इन में छा दोआ इन में अगर एकडी साइड 4 ट्रे आ तभी टेक्निकली घणी मिलंदी 5 अगर एकडी 6 8 तभी घणी मिलंदी 10 मीटर नतो करे तो सबो ताता इन डायरेक्ट एमसीक्यूज पॉइंट याद रखी छर जो इन अगर तरीके सा सवाल कबो जी एमसीक्यूज नंबर 4 असाइड ए पार्टिकल के फ्रॉम ए टू बी मूव करायो केत्रो मूव कवर करायो 2a सही आप उने का बाद में वही को बी टू सी मयो केत्रो कवर करे भयो जस्ट ए वरी सी टू डी आयो वरी सी टू डी आयो कवर करे आयो 2a बुदायो त ए का डी ताई डिस्टेंस केत्रो थिंदो एंड ए का डी ताई डिस्प्लेसमेंट केत्रो थिंदो माजे का पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस देयर एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट जी 5 डिस्टेंस गणो दाजो 5 एंड डिस्प्लेसमेंट 5 अच्छा डिस्टेंस देखो ही है डिस्टेंस गणवा 5 सुन लो आप वो तो मिली गणो सांगे ऐड करना सी 2a 3a and 2a becomes 5a डिस्प्लेसमेंट ना हुआ 5 1 अगर इनने जो डिस्प्लेसमेंट आ वो घणो मिलंदो सांगे ए मिलंदो याद करियो अपोजिट साइड्स पाण में बराबर थिंदियो ने अगर रेक्टेंगल आ त रेक्टेंगल जो अपोजिट साइड्स पाण में बराबर ही थिंदियो तरे टेक्निकल ये बात अगर हे 2a या हे 2a आ अगर हे गिवन आ त हे बचावजन गुरजे ए उजन गुरजे असा त या बेसिक आईडिया याद रखी जजो फ्रॉम अच्छा ई मां पूछा फ्रॉम ए टू ए डिस्टेंस घणो 6 डिस्प्लेसमेंट 0 तो केके ताने तरीके सारण के रेट करे सको ता समझ में आई हां एकरा ये एस एमसीक्यूज पे गया सी नजंदन हां पाण चंदा सर्कुलर मोशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर मोशन आने जो इन के अंदर एमसीक्यूज दिसन दावन जो हां सर्कुलर मोशन में भी सेम वो ही आईडिया है जेको असा प्रीवियसली रेट करे वा फिफ्थ एमसीक्यू दा चंदा असा सर्कुलर मोशन में असा मुकम्मल एकरो सर्कुलर पाथ डिस्कस क्यों दा एकरो एमसीक्यूज मार कदो भी असा एमसीक्यूज दा हां कदो भाई ये मुकम्मल सर्कुलर पाथ आ इन मुकम्मल सर्कुलर पाथ जो जिको रेडियस गिवन आ ना जिको रेडियस गिवन आ वो रेडियस केत्रो वो रेडियस आए r केत्रो रेडियस से r सर्कल जो रेडियस करे में चेंज ना आए की दो मैं के चार पॉइंट्स तो लिखा केड़ो चार पॉइंट्स आए ने a पॉइंट b पॉइंट c पॉइंट d याद रखी चल जो फ्रॉम a टू b देन फ्रॉम b टू c c टू d एंड d टू a एकडो सर्कल थी वो कंप्लीट जेंडा सब रेडियस पाण में बराबर है यानी कि अगर ही आर आ तो मते बी वाली पॉइंट में भी छाऊं दो सामू सी वाली में भी और एट डी वाली में भी सब आर मीटर सुनाई ना रेडियस ठीक है हाने सवाल ही हुआ फ्रॉम ए टू बी व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि जेकडे मां ए टू बी अचा फ्रॉम ए टू बी सबनी का पहला सवाल ही हुआ तो मालूम करनो है ने जो डिस्टेंस बेओ छा मालूम करनो है ने जो डिस्प्लेसमेंट पर किथा फ्रॉम ए टू बी हाने दिस जो ए टू बी डिस्टेंस की मालूम कदो एंड डिस्प्लेसमेंट की मालूम कदो ए टू बी सर्कल जो काम हिस्सो आ चौथो हिस्सो यानी कि मां 1/4 ऑफ रोटेशन चई सका दो रही यानी कि ए टू बी चई सदो ता या 1/4 ऑफ रोटेशन चई सका दो माने के रोटेशन जो चौथो हिस्सो था ठीक है हां डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मालूम करना हुआ डिस्टेंस चौथे हिस्से जो आ चौथो हिस्सो माने 1/4 एक रोटेशन पूरी थी दिया एक रोटेशन में जिके टोटल सर्कमफेरेंस चांदो आ एक रोटेशन में वो घणो पड़े हो सी 2 पाई आर यानी कि मल्टीप्लाई कयो छा सा 2 पाई आर सा माने 2 पाई आर जो चौथो हिस्सो चौथा दिसो अगर एकरो चक्कर पूरो थी वजे आ घणो कवर करे आ 2 पाई आर हे तेने जो चौथो हिस्सो आ माने 1/4 इनटू 2 पाई आर इने के सवाल के घणो जवाब दिदो इने टेबल 2 टाइम्स सो द आंसर इज पाई आर डिवाइडेड बाय दैट इज आंसर यो डिस्टेंस तो बने जो भला डिस्प्लेसमेंट की मिलदो फ्रॉम ए टू बी की मिलदो स्ट्रेट सेम वो ही आईडिया है दिसो
इनमें सेम असा वो सेम केस इस्तेमाल करना सी केड़ो आईडिया हुंदो जेको प्रीवियस वारो होयो हे 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 वारो केस ना भी समझ आयो इन वारे जेको हाइपोथेसिस वारा फार्मूला प्लेस कया सी हे आरा जीए ही एमसीक्यूज में ही ए होयो द डिस्प्लेसमेंट छा मिलियो असांगे अंडर रूट 2a त हन जो छा मिलंदो अंडर रूट 2r अंडर रूट 2r न त पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल भी कयो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर घणा r स्क्वायर मिलंदा 2r स्क्वायर स्क्वायर खत्म करना छा कंदा आयो अंडर रूट ताई द अंडर रूट 2 सागोरंदो बिकम्स r देयर सो द आंसर इज अंडर रूट 2r हिकड़ो यो मा एमसीक्यूज के चेंज कयो माता के छातो जमा माता के जमा तो ता मके मालूम करे देखारियो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मारा बिनी जो रेशियो मालूम करे देखारियो डिस्टेंस डिस्टेंस केतरो बा बाय आर डिवाइडेड बाय एना के मल्टी अजाने डिवाइड करे डिस्प्लेसमेंट सा डिवाइड माना सेम इने के मल्टीप्लाई करे छजो अंडर रूट 2 आर सा आर आर खत्म थी विंदो मता जा बचो पाई हेटा जा बचो 2 अंडर रूट 2 इयो त मने जो रेशियो डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट था ना तो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अंडर रूट 2 आर वो इन 2 सा मल्टीप्लाई की पवंदो तो आर आर गेट कैंसिल पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2 गा समझ में आई यस सर इन डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट सा डिवाइड कयो सी किए कयो सी डिस्टेंस के थ्रू पाई आर अपॉन 2 एडिसो पाई आर अपॉन 2 डिस्प्लेसमेंट के थ्रू होयो अंडर रूट 2 आर ना अंडर रूट 2 आर इन सा मल्टीप्लाई कयो सी सो आर आर गेट कैंसिल पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2 हां ये इन द सेम केस ता मुखे मालूम करे लेखारियो फ्रॉम ए टू सी फ्रॉम ए टू सी मना केत्रो केत्रो रोटेशन हाफ रोटेशन मना पान टू टू द रोटेशन मालूम छा करणवा मालूम करणवा डिस्टेंस उने का पो छा मालूम करणवा आई बिनी जो विच में छा मालूम कंदो रेशियो छा मालूम कंदो अच्छा एड़े तरीके सा बुदो फ्रॉम फ्रॉम ए टू डी फ्रॉम ए टू डी माना माना मुकम्मल जो काम सो दी दो यो सर माना पांच थ्री सिक्स माना माना सिक्स यो माना ये मुकम्मल जो घनो सो आसा मत थर्ड पोर्शन सा ने कहने के पांच चार की प्लेस करना सीने के माना पांच थ्री ये माना पांच थ्री दी दो ये सर माना पांच थ्री ऑफ द रोटेशन रोटेशन जो यो ये पांच ना 4/3 it is not 3/4 it is 3/2 1.5 ade dio thindo na 3/2 of the rotation rotation jo yotri ho so thi pondo ai une ka baad mein jo next one asa wat wo kedo ho from a to a ene mein sabo malum karno ma distance to displacement ai again fed the last mein ta ke chha malum karna from a to a from a to a छा मालूम कंदो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि वन रोटेशन मुकम्मल है हाँ एक और मिनट करो चलो ताहिने रोटेशन के चलो ताहिने के सॉल्व करो तेरी ये पांच फोर ना अरे क्यों इस वाले अरे वन अपन दो तीन दो तीनों ना वन बाय थ्री की दो थ्री बाय टू क्यों ना अब देखो आई एम आल्सो थिंकिंग इट्स थ्री बाय टू तो ता यो ट्रेवो इशू है ना दैट्स माय थ्री बाय टू दैट्स माय दैट्स माय तने एक और इसलिए ने पैसा था चलो ताने के कयो मारो रोटेशन ता के बताया चल मारो रोटेशन ता के बताया मुकम्मल कयो यो फ्रॉम ए टू डी ता कयो माता रोटेशन ने के बताया ये थ्री बाय फोर टोटल चार सामान में आए 3/4 थी तो सही है 1/4 1/2 3/4 सही है इट इज 3/4 रोटेशन सही है हां कयो नहीं पहले थियो ये बियो कयो और ये ट्रम करे देखा पहले जो बनवा
डिस्प्लेसमेंट बात में जो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट गलत करेगा डिस्प्लेसमेंट कैसे तू हाँ अटुवार अंडर रूट में ना निकला ना उसी तू हुआ अंडर रूट में तेरे में तेरी आज ने हो दुआ पैथागोरस फिरों में समाल ले उसको जी क्या जो ए टू सी हाँ छात्र नहीं बोलते फ्रॉम ए टू सी सिद्धू सेंडर से भाई बराबर ना ना ए टू सी सिद्धू आ ए टू सी में ना रेडियस आ चंद अंडर रूट नहीं बस जी हाँ करेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाया ये तो साल पे रहो चले जो ए टू सी ये तो पाया पान पूछ लो पाया पान तो बस पाया पान तो बस हां पाया पान तो सही हो जाए जी जी बाबा डिस्प्लेसमेंट अंदर ऊपर में जो सर ये गलत है ये
सारी जगह पर आपको शुरू किया डिस्प्लेसमेंट चाहिए सॉरी अच्छा अच्छा ये किस हुआ ले हाँ इतने किस चेक करता हूँ मैंने जा बुद्धो आने पंजा पंजा आंसर चेक करता हूँ मैंने बुद्धो मुझे कहा रहने फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस शादी दो ए टू सी माना अदर सर्किल माना टू पाई आर डिवाइडेड बाय टू क्या हाँ ना तो छा जो अभी तो पाई आर माना डिस्टेंस शादी जो था आगे पाई आर इन्हें डिवाइड करो टोटल डिस्प्लेसमेंट सा डिस्प्लेसमेंट जब हो तो सिद्ध हो दी दो आने फ्रॉम ए टू सी तो हेब आर घना आर क्या तो याद रखी चल जो ए टू आर 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 गेट कैंसिल शामिल हो दो पाई बाय टू गाल समझ में आई अच्छा आज जो वही ए टू डी माना थ्री अपान फोर रोटेशन बुद्ध आने पहला मालूम करो डिस्टेंस डिस्टेंस की मालूम करना सी थ्री अपान फोर रखो सागो आई हिटर रोटेशन में कितना सरकमफेरेंस होता है टू जी के बनेंगे जाओ मच टाइम से सो द आंसर इज थ्री अपान टू पाई आर मत ये पाई आर की दो ये आवाज नीचे क्लियर है थ्री अपान टू पाई आर डिस्टेंस है लिखो यो थ्री अपान टू पाई आर आई हाने कबे डिस्प्लेसमेंट बुद्ध हाने ए खां डी के बनेंगे हुआ तो मुकम्मल थोड़ी घूमी इंदम डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट किए हम इंदो आ सिद्धो इतने ही तो है तो सेम वो ही सागो ही ए सादी शेप का है ना यानी कि ए पे घना मिलन गुर्जे अंडर रूट टू आर इन्हें कितना डिवाइड किया अंडर रूट टू आर सा आर आर गेट कैंसिल थ्री पाई अपान टू अंडर रूट टू इज द आंसर थ्री पाई अपान टू अंडर रूट टू अच्छा उन्हें का बाद में लास्ट पर डिसो फ्रॉम ए टू ए ए टू ए के को आ ए टू ए उन्हें में डिस्टेंस के थ्रू थी तो पहले ये बुझायो ए टू ए टू पाया डिस्टेंस टू पाया डिस्टेंस थी तो टू पाया डिस्प्लेसमेंट चाहती तो यानी कि ना जो आप चाहोगे मिनट तो करीब बने इनफिनिटी कितने इन्हें क्या कहते हैं थ्री पाई आर अपान टू सागोई हुई है ठीक है डिस्प्लेसमेंट छा मिलियो सामने वो रिसो अंडर रूट टू आर किए मिलियो पैथागोरस थ्योरम में हे साइड आर हे साइड आर हेपाटिनियस की मिलन दुआ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आर स्क्वायर घना आर स्क्वायर स्क्वायर खत्म करे छा कंदा आयो त आर त निकरी पोंद अंडर रूट में बाकी टू जे मत अंडर रूट रंदो सो इट्स आंसर इज अंडर रूट टू आर आई गॉट समझ में जे का पोया सा लेट पा के होने तरीके सा अंडर रूट 2 ए इन तरीके सा तारण के कंदो रिलेट ए क्लियर थियो आणि सर्कल जे अंदर ये फॉर्मेशन देन में हो जान केडो ही बारो बुद्धो आणे मायने के लास्ट टाइम रिपीट क्या वो लेक्चर गेते एंड अप कंदा सी भाई पूरो सर्कुलर पाथ होयो इन सर्कुलर पाथ जा घणा हिस्सा ठाया सी पॉइंट ए टू बी पॉइंट ए टू बी सर्कल जो चौथो हिस्सो आ चौथो हिस्सो मना बना जवाब चाहो पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2 दैट इज द डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी देयर ए टू सी सर ये तो टाइम समझ चार नहीं समझ में पाई अपॉन पाई आर अपॉन 2 केडो केडो सर सब हे बारो अच्छा आने रे हे ऐसा आवाज में जे पुटाने एकड़ो डिस्टेंस आप होने के डिवाइड करना चाहसा डिस्प्लेसमेंट सा डिस्टेंस केत्रो कवर कयोवा पाई आर अपॉन 2 हे डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट केत्रो कवर कयो अंडर रूट 2 आर डिवीजन के शामिल तब्दील कंदा आयो तबो पाई आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2 आर जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट थी दो आर आर गेट कैंसिल पाई के 1 से मल्टीप्लाई कयो पाई अंडर रूट 2 के 2 से मल्टीप्लाई कयो 2 अंडर रूट 2 दैट इज द आंसर अच्छा फ्रॉम ए टू सी यानी के 1 अपॉन 2 रोटेशन जो डिस्टेंस है वो छाती दो पाई आर डिस्प्लेसमेंट चाहती नो स्ट्रेट स्ट्रेट माना कितना रेडियस मिला है ते बट इट इज 2 आर देयर आर आर गेट कैंसिल पाई अपॉन 2 उन्हें का बाद में फ्रॉम ए टू डी जब ए टू डी आयो दैट इज 3 अपॉन 4 रोटेशन डिस्टेंस केत्रो मिलियो सके डिस्टेंस मिलियो 3 अपॉन 2 पाई आर बाकी डिस्प्लेसमेंट केत्रो मिलियो सेम अंडर रूट 2 आर
इतने लिखियो सी आर आर गेट कैंसिल है सा जो जवाब आयो एड़े तरीके सा ए टू ए डिस्टेंस केत्रो आयो 2 पाई आर पर डिस्प्लेसमेंट केत्रो मिलियो तो जवाब छा मिलियो सा जो इनफिनिटी मिलियो सा हां यो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक थी दो कंप्लीट वधिक माता के वर्कशीट मोगलिनु उन्हें के ता सॉल्व कजो फर्दर वो